कैसा लग रहा है आपको व्यू? अच्छा लग रहा है, डर लग रहा है पानी देख के? जाइएगा पानी में? नहीं जाइएगा तो इतना महंगा रूम क्यों दे रहे हैं हम लोग, पैसा बर्बाद। ये रूम है और ये बालकनी। रूम ठीक ठाक मिल गया हमें, 1100-1200 का रूम है, ऑलमोस्ट सही है। मौसम बहुत खराब तो दिख रहा है, टेंशन में क्यों है आप? कहीं पापा पूरी ना घूम पाए। हाँ अंदर नहीं जा सकते क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है। और हम लोग सी जाने के लिए रेडी है। वो जो बीच बाहर दिख रहा था अभी हम लोग उधर जाएंगे। और ये लोग लड़ाई कर रहा है, ये लोग लड़ाई कर। तो बीच पे हम लोग आ चुके हैं, नीचे पूरा बीच है। अब यहाँ पे थोड़ा मस्ती करेंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल समुद्र के किनारे हैं, पूरा झरने के साथ उन बीच में आ रहे हैं। हवा से डर नहीं लग रहा आपको? हवा से तो डर रहे हैं, हवा भी हिल रहा है, मेरा बदन भी हिल रहा है। इसके चप्पल खोल कर आके। और वेदर तो यहाँ पे बहुत अमेजिंग हो रखा है, बीच में काफ़ी मज़ा आया, मतलब बहुत अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। और जहाँ पे हम लोगों ने रूम लिया है वहाँ से बीच का व्यू है, बड़ी सी बालकनी भी है। अभी हम लोग रेडी वेडी हो गए हैं, बाल सुखाना था तो मैंने सोचा मैं बाहर ही आ जाती हूँ, सबसे अच्छा तो हेयर ड्राई यहीं होने वाला है बिना कोई मेहनत, एंड थोड़ा यू नो फन भी हो जाएगा। जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उन्होंने बोला कि वी हैव पेड 1600 फॉर दैट, आई थिंक उन्होंने एसी लिया होगा, हमने नहीं लिया, तो हमें 1200 रुपीस में ऊपर का सी के साथ वाला व्यू मिल गया। एंड दो दिस इज द रोड जिससे हम लोग आए थे, ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग जाएंगे, पर जस्ट हमें अंदर की ओर जाना है और ये हमारा बीच आ जाता है। सो यू कैन सी हम लोग बीच से कितने पास रह रहे हैं, दिस इज द वे टू द बीच। यहाँ जाएंगे और वहाँ जो पोल दिख रहा है आपको, ये बड़ा वाला पोल जो दिख रहा है, वहाँ से आप सी के लिए अंदर घुस सकते हैं। सो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे, एंड हम लोग सी पे जाके ऑलरेडी काफ़ी फन कर चुके हैं। सो वहाँ
से हम लोग इधर आपको बता रहे थे ना पिंक हाउस से, जहाँ पे मतलब हम लोग खा पी सकते हैं, अच्छा खाना मिल जाएगा, चाय हमने पिया था, डिनर करने जाएंगे और दैट साइड सीढ़ी है और इस साइड हम लोग जा रहे हैं ऑटो देखने के लिए। हमें बोला गया है कि 20-30 रुपीस में आपको 4% ऑटो वाला लेगा और मंदिर पहुँचा देगा। चलिए चलते हैं। तो ऑटो वाले ने हमें यहाँ उतार दिया, अब हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं, आगे मंदिर है। अगर कोई ऐसा है जिसको आपको गिफ्ट देना है और आप नहीं भी देना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए। अभी हम लोग को फोन सबमिट करना होगा तो हम लोग जा रहे हैं, फोन वोन सबमिट करेंगे, शूज देने होगा, मोबाइल्स देना होगा, जो भी लगेज हमारे पास सब देना होगा और उसके बाद ही एंट्री होगी। सो यहाँ पर अपना सब कुछ सबमिट करेंगे, उसके बाद जाएंगे। ओपन है सो पूरा हवा आ रहा है चारों तरफ से, बहुत अच्छा माहौल है। एंड वी आर वेरी टायर्ड बिकॉज जगन्नाथ मंदिर में ऑलमोस्ट 4-5 घंटे चले गए, बट इतना पीसफुल था, इतना मज़ा आया, बता नहीं सकते हैं।